मेरा नाम है तमे तुबिन और मैं AIC का प्रेसिडेंट, और हमारा दीवान है यहाँ पे चातरोप दीवान, यहाँ पूरा शो करके रखा हुआ है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिए एक बार। हमारा जो खिलाफ है, भ्रष्टाचार का खिलाफ है, हमारा जो राज्य में जो चल रहा है, हमारा जो प्रदेश में मुख्यमंत्री का खिलाफ में चल रहा है, वही है। क्या डिमांड है और क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? देखिए आप सबका सामने में हमने सब डॉक्यूमेंट रख दिया RTI के द्वारा पे जो हमें मिला है, जो हमारा जो ये मुख्यमंत्री के खिलाफ में जैसे जो भी हमें सबूत मिला है आपका सामने में हमने रख दिया। मैं एक एक करके मैं सबको बताते आप लोग का ये फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। देखिए मैं स्कीम का नाम को मैं बताता हूँ। पहला स्कीम है SGRY स्कीम, उसका पूरा नाम है संपूर्ण ग्रामीण योजना। और दूसरा स्कीम है पावर स्कीम, जिसमें 142 करोड़ का घोटाला हुआ। और तीसरा स्कीम है आपका पंचायत स्कीम, जिसमें 889 करोड़ का घोटाला हुआ। और चार नंबर में कैंपा वन स्कीम, इसमें 1500 का घोटाला हुआ। और ये पांच नंबर में हाइड्रो पावर स्कीम, जिसमें 1400 करोड़ का ये घोटाला हुआ। और सेकंड में छः नंबर में है फैमिली मेंबर्स एंड बिजनेस एसोसिएशन, आपका ये पेमा खांडू का, इसमें आपका 5000 करोड़ का घोटाला हुआ। और सात नंबर में माइंस एंड मिनरल ये आपका स्कीम में 62 करोड़ का घोटाला हुआ। और आठ नंबर में पेमा कांडो दिस अप्रोप्रिएशनेट एसोसिएट एक्वायर इन शॉर्ट पॉलिटिकल स्पेन, इसमें आपका 122 करोड़ का इस पर ये घोटाला हुआ। और नौ नंबर में हमारा जो ये प्रदेश में जो आपका हमारा जो ये APPSC बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें भी आपका जॉब में भी आपका ये घोटाला हुआ। इसमें भी आपका हाल ही में हमारा प्रदेश में जो क्या बोलते हैं APP का कुछ ये पेपर भी लीकेज हुआ। आप हमारा दिन से बैठे हैं क्या, पैदल आ रहे हैं? हाँ, देखिए हमने हमारा जो प्रदेश में हमने 28 दिन तक धरना बैठा, हमारा कोई ये सुनने को कोई राजी नहीं था। हमारा ये प्रदेश का जो सरकार ने कुछ भी हमारा जो हमारा ये हमारा ऊपर में ये जो भी हमें ये धरना बैठा हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हम वहाँ पे लगातार वहाँ से फिर 28 दिन हम धरना बैठने का बाद में अपने पद यात्रा पर निकला दिल्ली चलो PMO की ओर, आपका अरुणाचल तो ये दिल्ली। तो हम तो लगभग वहाँ से धरना बैठता 28 दिन और पद यात्रा में 1.5 महीना कुछ लग गया। तो कुल मिला के आपका पद यात्रा से लेके दो महीना कुछ ये 10-15 दिन ऐसे कुछ हो गया, लग गया ऐसे कुछ हो गया। PMO कार्यालय से कोई आपके पास में मिलने के लिए आए या आपका ज्ञापन वगैरह लिया? देखिए उसका अभी तक हम लोगों का जारी है, क्योंकि उसका कागज पत्र चीज में थोड़ा सा समय लगता है। तो अभी भी हमारा ये प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन है, उनसे रिक्वेस्ट है, हम इतनी दूर से पद यात्रा से आए हैं तो हमारा बात सुन लीजिए। हमारा जनता भी आपसे उम्मीद है, हम एक उम्मीद लेके आए हैं आपके पास। हम यहाँ पे कोई ऐसे पेशेंस कोई शोक दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा प्रदेश में जो चल रहा है बहुत ही आपकी बात नहीं मानकर सर क्या करेंगे बताइए? देखिए सरकार अगर हमारा बात नहीं सुनेंगे तो हम यहीं पे धरना करते रहेंगे। जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा जरूरत पड़ने पर हम हंगर स्ट्राइक भी करेंगे।